हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। यहाँ आप लोग देख सकते हो मैंने मूविंग एवरेज लगा रखा है, यानी हम लोग अभी बात करेंगे 5EMA के बारे में। ठीक है, तो रूल क्या है? हम लोगों ने इसे 5 पे सेट कर रखा है। डिफॉल्ट ये 9 पे होता है जब हम लोग इसको यूज करते हैं, ईएमए को जब लगाते हैं तो 9 पे होता है। हम लोगों ने इसे 5 पे रखा हुआ है। ये एक सेलिंग स्ट्रेटेजी है जिसको आप पुट बाइंग में भी यूज कर सकते हैं, कॉल सेलिंग पुट बाइंग। ठीक है, चलो देखते हैं। ईएमए से कैंडल जब दूर होगा तो वो हमारे लिए क्या होगा? अलर्ट कैंडल बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो देखते हैं। फिर अलर्ट कैंडल बन जाएगा, उसके आगे का जो कैंडल या अलर्ट कैंडल के लो को जब ब्रेक करेगा तो हमारी एंट्री होगी। क्लियर है यहां तक? एंट्री कहां पे होगी? 150 से अबव की एक प्रीमियम होगी जो 200 तक हो सकता है। ठीक है, तो हमारी उसमें एंट्री होगी। ठीक है, हम लोग ये स्पॉट चार्ट में इसको देखेंगे, स्पॉट चार्ट में अलर्ट कैंडल वगैरह देखेंगे, और एंट्री हमारी होगी कहां? ऑप्शन चार्ट में, प्रीमियम के चार्ट में एंट्री हमारी होगी। ठीक है, तो एंट्री से पहले आपको प्रीमियम चार्ट भी यूज करना है। क्लियर है यहां तक? चलो देखते हैं। तो ये अलर्ट कैंडल है हमारे लिए, ये अलर्ट हो गया, ये भी अलर्ट कैंडल है। तो इस किसी के भी अलर्ट कैंडल के लो को ब्रेक करने पे हमारी एंट्री होगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ये अलर्ट कैंडल है, इसके लो को ब्रेक किया, हमारी एंट्री बनती इसमें। ये है 955 का कैंडल, इस पे ही हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने इधर प्रीमियम सेट कर रखा है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। एसएल हमारा 40 पॉइंट का होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, वो भी हम लोग देख लेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है काफी वोलेटाइल है बैंक निफ्टी, इस वजह से आपको 40 पॉइंट का एसएल रखना पड़ेगा, क्योंकि चार बार आप एसएल दो छोटे छोटे, और छोटे छोटे का मतलब 20 पॉइंट प्लस ही होगा, उससे अच्छा एक बार एसएल दो आप, है ना। तो चलो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमारी एंट्री होती है, मान लो इसमें एंट्री हो गई हमारी, एसएल होगा हमारा 40 पॉइंट का। ठीक है, क्लियर है? चलो यहां देखते हैं, थोड़ा जूम करते हैं ताकि प्राइस प्रीमियम सही तरीके से हम लोग देख पाए, कंफ्यूजन ना हो कोई। ठीक है, चलो यहां हम लोग देखेंगे, ये 162 है लगभग, 162। और भी जूम कर लेते हैं ताकि और प्रॉब्लम ना हो, प्रॉपर तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। तो ये 162 के अबव है। ठीक है, तो एंट्री कहां होनी चाहिए? 163, 164 कहीं तो एंट्री होगी हमारी, या 165 पे एंट्री होगी हमारी। ठीक है, तो मान लो 2-3 रुपए ऊपर आपने ऐड कर रखा है, ऑर्डर लगा रखा है, या आप 165 के आसपास एंट्री करोगे। क्लियर है यहां तक? तो चलो 165 पे अगर आपकी एंट्री हुई तो क्या होता है? 165 पे आपने एंट्री की, आपका एसएल कहां होगा? नॉर्मल वे में अगर लगाओगे तो 142 पे होगी, आप रखोगे एसएल 142 पे। ठीक है, यानी अगर चलो 6344 में भी अगर एंट्री हुई तो 22 रुपए का एसएल, 4 में अगर एंट्री हुई तो आपका 24 रुपए का एसएल होगा इसमें, 24 रुपीज का, राउंड फिगर 25 रुपए का, मान लो आप 25 रुपए का आपने एसएल रखा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो देख लेते हैं, 25 रुपए का एसएल रखा आपने, एक बार एंट्री हुई, 25 का रखा, ये कैंडल बना 25 का, चलो बच गए ये, चलो ये इसमें हम लोगों ने किया था, इसमें बच गए, ये एसएल लेकर चला गया। फिर आप क्या करोगे? फिर एक एंट्री बनाओगे इधर ही कहीं, 156 के आसपास एंट्री बना लोगे आप, फिर एसएल रखोगे कहां? 156 पे बनाया तो एसएल आपका मान लो कितना लगाओगे? इसके लो पे लगाओगे, सीधी बात है, इसके लो पे लगाओगे एसएल, है ना। तो इसके लो पे क्या एसएल लगाओगे? मान लो 130 पे लगाया एसएल, 156 पे एंट्री हुई, 30 का एसएल लगाया, 26 पॉइंट्स का एसएल फिर लगा दिया हम लोगों ने। मान लो दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 50 रुपीज का एसएल हम लोगों ने इसमें ऐसे लगाया। अब क्या वो एसएल जाता है? तो ये देखो यहाँ पे एसएल गया आपका, इस कैंडल में एसएल गया, तो 50 रुपीज का एसएल चला गया। उससे अच्छा क्यों ना 40 रुपीज का ही एसएल दे दिया जाए, है ना। तो यहां पे अगर आप 40 रुपीज का एसएल देते हो
उसके बाद देखो क्या होता है, 40 रुपीज का एसएल आपने दिया, एसएल गया, नो इश्यू, वेट करेंगे। फिर एक एंट्री यहां पे मिलती है, टाइमिंग है हमारा 10:10, 10:10। इसमें एसएल गया, फिर हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि एंट्री ज्यादा नहीं करने के लिए ही हम लोगों ने 40 पॉइंट्स का एसएल रखा था। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो क्या होगा यहां पे, एसएल जाएगा ही नहीं। आप देखोगे कि एसएल तो एटलीस्ट नहीं गया, एक भी एसएल गए नहीं। मान लो यहां पे एंट्री हुई 165 पे, एसएल कहां गया हमारा, 40 पॉइंट का एसएल होगा हमारा, यानी एसएल होगा 125 पे। तो कहां तक आप इसको लेकर जा सकते हो, देखो हम लोग स्ट्रेटजी कैसी है क्या है वो ही हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो यहां तक इसको लेकर जा सकते थे, यहां तक। तो यहां इतना वेट करने के बाद आपका एसएल यहां पर जाता, तो एक बार में एसएल दिया 40 पॉइंट्स, नो इश्यू, ट्रेड मिले लेंगे, नहीं मिलता है छोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो यहां पे देखोगे आप, एक और एंट्री मिलती है यहां पे, ये टाइम है हमारा 11:40 में, 11:40 में हम लोगों को एक एंट्री मिलती है, इसको चेंज कर देते हैं, 11:40 में एंट्री मिलती है हम लोगों को, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 140 गया, अगर कैंडल के लो पे अगर आप एसएल लगाते तो अभी तक आप 50 रुपीज मिनिमम लॉस कर चुके होते, बट हम लोगों ने क्या किया, 40 रुपीज ही लॉस किया। चलो ठीक है, देखते हैं इसमें एंट्री कहां मिलती है, नहीं मिलती है, और इसमें क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। टाइमिंग ये हमारी है 11:40, यानी 11:45 वाले में एंट्री मिलनी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो इसको देखेंगे हम लोग, 50 के आसपास ही लगा रखा है हम लोगों ने, चलो 50 के आसपास ही कहीं हम लोग इसमें एंट्री करेंगे। 50 के आसपास हमारी एंट्री होगी, मान लो 150 के आसपास हमारी एंट्री होती है, चलो 140 ही मान लेते हैं, सीधी सीधी तरीके से देख लेते हैं। देखो हम लोग जो भी ये स्ट्रेटजी है उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, और भी कुछ नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेटजी जब देता है तो काफी अच्छे तरीके से प्रॉफिट देता है। तो मान लो 145 या 6 पे एंट्री होती है हमारी, 150 के आसपास का है तो 2-4 रुपए चलेगा, तो हम लोगों ने इसमें ऐड किया, एंट्री हुई हमारी 146 के आसपास, एसएल होगा हमारा 106 रुपए पे। ठीक है, 106 रुपए पे एसएल होगा हमारा। चलो अब देखते हैं क्या होता है, यानी 106 पे हमारा एसएल है, यानी 1:2 मिनिमम लेना है, है ना, यानी 80, 1:2 तो लेना है, यानी 80 पॉइंट्स इसे मिलने चाहिए, यानी 146 को कहां पहुंचना चाहिए, 146 को, सॉरी ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, तो 226 पे इसे पहुंचना चाहिए, 226 पे पहुंचना चाहिए। चलो देखते हैं पहुंचा कि नहीं, 226 पे पहुंचना चाहिए था। ठीक है, तो 226 नहीं, एटलीस्ट आप 1:1 तो आज ले ही लेते, इट मींस जो लॉस हुआ वो आप ले लेते इसे। तो कुल मिला के ऐसा समझने वाली बात है कि 40 पॉइंट का अगर ऐसा रखते हो तो टारगेट मिलते हैं, तो आप लोगों ने देखा है काफी अच्छे टारगेट्स मिलते हैं, एसएल गया तो 40 पॉइंट का नो इश्यू, तो इसलिए कुल मिलाकर आप ब्रेक इवन पे ही रहोगे, या इधर भी कहीं अगर 50 पॉइंट भी अगर ले लिया तो आपने 10 रुपीज ले ही लिया, नहीं तो 1:1 एटलीस्ट, क्योंकि 1:2 लेना है, तो कुल मिला के आप नो लॉस नो प्रॉफिट पे रहते हो। तो इसी तरह हम लोग डिस्कस करते हैं, इन चीजों को प्रॉपर तरीके से समझते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि लो को ब्रेक करे एंट्री तब होनी चाहिए, अलर्ट कैंडल के बाद जो लो ब्रेक करता है वो बेस्ट होता है, बट एंट्री जल्दी भी हो जाए ताकि सही रेट में मिल जाए, उस वजह से भी चीजें ली जाती है। यहां मैं देख रहा हूं कि अलर्ट कैंडल के लो को ब्रेक करने के बाद एंट्री हो रही है तो एसएल जा रहा है, तो इसलिए बेस्ट ये होगा कि अलर्ट कैंडल के अगले कैंडल के को अगला कैंडल जब लो को ब्रेक करता है उसके बाद जब हमारी एंट्री होगी तो मे बी वो ज्यादा सक्सेसफुल
हो सकता है। तो चलिए हम लोग स्ट्रेटजी जो भी होती है उसका पोस्टमार्टम करते हैं, इसलिए ये करना जरूरी था ताकि आप स्ट्रेटजी को प्रॉपर तरीके से इसके प्रोज एंड कॉन्स को समझ सको। ठीक है, देखो हम लोग डिस्कस इसलिए करते हैं क्योंकि प्रोज एंड कॉन्स को समझें, ठीक है, ना कि किसी स्ट्रेटजी की बुराई करना या तरफदारी करना। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना, हम लोग ना किसी स्ट्रेटजी को बढ़ावा देते हैं ना उसको दबाते हैं, जो उसकी अच्छाई और बुराई है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।